आज वैशाख मास का आखिरी दिन है, कल से ज्येष्ठ मास शुरू होगा। इसलिए आज मैं धर्म आपको ज्येष्ठ महीने की महिमा समझाने आया हूं। इस महीने सूर्य बहुत बलवान होता है। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण ही तो इस महीने को ज्येष्ठ कहा गया है। तो ज्येष्ठ मास में सूर्य और जल तत्व की उपासना क्यों होती है विशेष फलदायी, मैं आपको बताता हूं। साल का सबसे गर्म मास जब चरम पर होगा सूर्यदेव का ताप, ज्येष्ठ मास में बढ़ेगा जल का महत्व, तपेगी धरती, गिरेगा जल स्तर। जल से ही होगी जीवन की रक्षा, इसलिए करें जल की सुरक्षा। ज्येष्ठ के महीने में सूर्यदेव अपने रौद्र रूप में होते हैं, गर्मी अपने चरम पर होती है और नदियों के जल का स्तर गिरने लगता है। छोटे मोटे तालाब तो कई बार सूख भी जाते हैं, इसलिए ज्येष्ठ के महीने में जल का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस महीने में सूर्यदेव और वरुण देव की उपासना विशेष फलदायी होती है। तो आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ मास का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व क्या है। हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना है। इस महीने में सूर्य बहुत ताकतवर होता है, इसलिए गर्मी भी भयंकर होती है। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण ही इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है, ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। ज्येष्ठ महीने में सूर्य और जल तत्व की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस बार ज्येष्ठ मास 22 मई से 20 जून तक रहेगा। ज्येष्ठ के महीने में तापमान बढ़ने की वजह से धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। धरती के हर जीव को सूर्यदेव के ताप से जूझना पड़ता है, इसलिए इस महीने में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम आपको उन तमाम सावधानियों के बारे में बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप ज्येष्ठ मास के तमाम कष्टों से बच सकते हैं। इस महीने में वातावरण और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है, इसलिए ज्येष्ठ महीने में जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। लू लगने और खान पान की बीमारियों से बचने के उपाय करें। इस महीने हरी सब्जियां, सत्तू और जल वाले फलों का प्रयोग लाभदायक होता है। इस महीने दोपहर को आराम करना भी सेहत के लिए लाभकारी होता है। कहते हैं कि ज्येष्ठ महीने में सूर्यदेव और जल स्वरूप वरुण देव की उपासना का महत्व सबसे ज्यादा होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस महीने सूर्य और वरुण देव की संयुक्त कृपा से आप अपना जीवन सरल और सुखी बना सकते हैं। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। रोज सुबह और शाम को पौधों में जल डालें, प्यासों को पानी पिलाएं, लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम करें, जल की बर्बादी ना करें, घड़े सहित जल और पंखों का दान करें। रोज सुबह और शाम को सूर्य मंत्र का जाप करें। अगर सूर्य संबंधी समस्या है तो ज्येष्ठ के हर रविवार को उपवास रखें। तो कल से शुरू हो रहा है ज्येष्ठ महीना, इसलिए हम आपको पहले ही सचेत कर रहे हैं कि आप भी जल का महत्व समझिए, जल की सुरक्षा कीजिए। ज्येष्ठ माह में अगर आप जल की रक्षा करेंगे तो जल भी आपकी सुरक्षा करेगा और तपती धूप में भी आप सुखी और सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। ज्येष्ठ मास में मंगलवार का विशेष महत्व होता है। इस पूरे महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को महाबली हनुमान की विशेष साधना से उत्तम फल की प्राप्ति होती है और मंगल की तमाम समस्याओं का स्वयं ही अंत हो जाता है। कैसे, मैं बताऊंगा, किंतु आपकी राशियों का हाल बताने के बाद। मेष, कारोबार में फायदा होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा का योग बन सकता है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 60।
फ्रेश, सेहत में अब मजबूती आएगी, धन लाभ का योग है, उपहार सम्मान भी आपको मिलेगा। शुभ रंग ग्रे, भाग्य 54%। मिथुन, संपत्ति का विवाद हल होगा, आर्थिक लाभ हो सकता है, काम का बोझ कुछ बढ़ा रहेगा। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य 87%। कर्क, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, करियर में बदलाव का योग है। शुभ रंग पीला, भाग्य 90%। सिंह, लंबी दूरी की यात्रा का योग है, रुका हुआ धन मिलेगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग भूरा, भाग्य 74%। कन्या, रुका हुआ काम पूरा होगा, फिलहाल कर्ज का लेन देन न करें, अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग हरा, भाग्य 69%। तुला, मान सम्मान मिलेगा, धन का निवेश ना करें तो उचित है, यात्रा करने से बचें। शुभ रंग धानी, भाग्य 66%। वृश्चिक, संतान प्राप्ति का योग है, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, क्रोध न करें। शुभ रंग हरा, भाग्य 70%। धनु, अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य 88%। मकर, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, यात्रा का योग है, धन के लाभ का भी योग बन रहा है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 81%। परिवार में प्रसन्नता छाई रहेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दिन आनंद से गुजरेगा। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य 78%। मीन, प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य मंगल आपको कष्ट दे रहा है, तो ज्येष्ठ का महीना इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम समय है। तो आइए मैं आपको ज्येष्ठ मास में मंगलवार का महत्व बताता हूं और इस दिन महाबली की उपासना से कैसे मिलेगी मंगल के कष्टों से मुक्ति, ये भी बताता हूं। सूर्यदेव का ताप हरेंगे हनुमान, ज्येष्ठ माह में लें बजरंग बली का नाम। चमत्कारी है ज्येष्ठ माह का हर मंगलवार, हनुमान की उपासना से होगा उद्धार। ज्योतिष के जानकारों की माने
तो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला हर मंगलवार बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। ज्येष्ठ के मंगलवार को महाबली की उपासना से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ माह का मंगलवार क्यों है इतना शुभ और मंगलकारी। ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित की जाती है, साथ ही हलवा पूरी या मीठी चीजों का भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद महाबली हनुमान की स्तुति करें, निर्धनों में हलवा पूरी और शीतल जल बांटें। ऐसा करने से मंगल संबंधी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप भी ज्येष्ठ माह के परम कल्याणकारी मंगलवार का लाभ उठाइए, महाबली हनुमान की उपासना कीजिए, फिर आपके जीवन के सारे संताप हर लेंगे संकट मोचन हनुमान। मैं धर्म इसी तरह आपसे मिलने आता रहूंगा, क्योंकि आपका कल्याण ही तो मेरा उद्देश्य है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और पवित्र जीवन का आनंद लीजिए। अलविदा।